नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नई दुनिया पुरानी बातें पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोर हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। बचपन से ही हम ये सुनते और सीखते आए हैं कि मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, पर हम में से कई लोग आज भी ये नहीं जानते होंगे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी कब बना और क्यों बना। तो आइए आज के वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है। बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह नाचता है तो ऐसा लगता है जैसे इसने हीरे से जड़ी पोशाक पहनी हुई हो, इसलिए मोर को पक्षियों का राजा भी कहते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में मोर को उच्च कोटि का दर्जा प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार से अनेकों धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और मोर की अत्यधिक सुंदरता के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया था। ज्यादातर मोर नीले रंग का होता है, लेकिन यह सफेद, हरा और जामुनी रंग के भी होते हैं। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का वैज्ञानिक नाम पैवोक्रिस्टेटस है और संस्कृत में मोर को मयूर भी कहते हैं। तो ये था हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कुछ विशेष बातें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।